नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आप सिरसा से कालावली हलके की जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं कि इनेलो अपने पद की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर परिवर्तन यात्रा की बात करें तो परिवर्तन यात्रा थी, उसने इनेलो के हौसले थे वो बुलंद किए थे और अब बढ़ चुके हैं रथ यात्रा की ओर। तो हमारे साथ हैं अर्जुन, मौजूद हैं। अर्जुन से बातचीत करते हैं कि क्या बदलाव होगा और परिवर्तन यात्रा में कितना बदलाव देखने को मिला। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी अर्जुन, इनेलो अपने जो रथ है उसको लेकर सवार है, अपने वायदों को लेकर कितना परिवर्तन मिला परिवर्तन यात्रा से? पहले तो ये बताएं कितना परिवर्तन देखने को मिला। देखिए जी, परिवर्तन देखने के लिए ये यात्रा नहीं रखी गई थी, प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए इस यात्रा पे चौधरी अभय सिंह जी चले। और मेरा ये मानना है कि इस चीज़ में बिल्कुल सफल हुए। हालांकि ये हमारी परिवर्तन यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई जी। ये परिवर्तन यात्रा हरियाणा के हर गांव में जाने का काम करेगी जी। और प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेगी। लेकिन इसका आपको एक छोटा सा इसका जो कहूँगा कि एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर जो रैली रखी गई थी उसके अंदर लाखों की तादाद में पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग आए, क्योंकि उनको विश्वास है और उनको उम्मीद है कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पूरी कर सकती है, चौधरी अभय सिंह चौटाला पूरी कर सकते हैं। परिवर्तन यात्रा के बाद कितनी सीटें मांगते हैं विधानसभा में, कितने अपने पैर हैं और मजबूती से रखेगी इनेलो? देखिए जी, ये तो बढ़ाव है जी। और बढ़ाव कितना आगे तक बढ़ सकता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इस तरह से चलता रहा, हम 87 वाला जो दौर है वो एक बार दोबारा हरियाणा के अंदर दोबारा वही दौर लाने का काम करेंगे। जेजेपी हरियाणा के बाद राजस्थान में अपने पैर है वो आजमाने की कोशिश कर रही है, चुनाव लड़ रही है, किस नज़रिए से देखते हैं उन चुनाव को लेकर? जैसे अगर हरियाणा की बात करें तो आज हर महकमा धरने पर है। आशा वर्कर की बात करें, किसानों की बात करें, किसानों का जो प्रदर्शन है वो तो रूटीन में आप देखते ही हैं। क्या लगता है राजस्थान की जनता को कितने का संतुष्ट कर पाएंगे, क्या पैर जमा पाएगी जज्बा? देखिए जी, ये राजस्थान के लोगों को आज अच्छी तरह से पता है कि भी कौन उनका है, कौन पराया है, कौन जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलता है और केवल उनका नाम इस्तेमाल करने का काम करता है। मेरे को लगता नहीं कि कोशिश करेंगे, समय लगाएंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि राजस्थान के लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग भी ऐसे आदमी को देखते हैं जो बड़े जो इस सबकी नीतियों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन्होंने आज साबित कर दिया, ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में साबित कर दिया कि भी वो काम ये नहीं कर सकते। विपक्ष का हमेशा यही कहना है कि एक सीट है, क्या करेंगे जो इनेलो का वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा? अगर विपक्ष को यूँ लगता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है तो विपक्ष को बोलो फिर आप हमारा जिक्र करते क्यों जी? ना करो हमारा जिक्र। मैं तो एक चीज़ कहूँगा, भले ही हमारी सीट एक हो लेकिन हमारा कार्यकर्ता हरियाणा के गाँव गाँव में बसता है, शहर शहर में, हर कस्बे पर, हर मोड़ पर बसता है। मैं तो कहूँगा जितने विपक्षी हैं, अभी तक कांग्रेस बिखरी हुई है, मैं चैलेंज करता हूँ तुम इकट्ठे होके इससे बड़ी रैली करके दिखा दो, मैं मान जाऊँगा। अभी तो हम एक हैं, अभी हम बढ़ेंगे, अब कितना बढ़ेंगे वो हरियाणा की जनता ने फैसला करना है। कांग्रेस की गुटबाजी को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे भी आप अभी कुछ दिन पहले सिरसा में प्रोग्राम था, शैलजा और हुड्डा ग्रुप में काफ़ी हुटिंग हुई थी, एक दूसरे को हटाने की बात कर रहे थे, क्या लगता है कांग्रेस? ये तो बहुत छोटी चीज़ है जी, हमने तो इनकी वीडियो देखी, थप्पड़ मुक्के हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये देखो, जो लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते वो लोगों का भला भी क्या करेंगे, ये तो अपनी लड़ाई में मर रहे हैं। और इनके तो सबके अलग अलग आका है, किसी का आका कोई और है, किसी का कोई और है। इंडियन नेशनल लोकदल वैसी पार्टी नहीं है, हमारे कोई आका नहीं है, हरियाणा की जनता हमारी आका है। महिलाओं को 33% है वो आरक्षण दिया है, क्या लगता है कि पास हो जाएगा इस वादे पर बीजेपी खरी उतरे? देखिए, ये पूरा होता ही नहीं होता, मेरे को इस चीज़ का इतना मैं कह नहीं सकता, लेकिन हरियाणा जैसे प्रदेश में तो ये पहले भी लागू है। जिला परिषद में भी महिलाओं को आरक्षण है, पंचायतों में भी महिलाओं को आरक्षण है, लेकिन सिर्फ आरक्षण देने से क्या कहते हैं, आप महिलाओं का मान सम्मान नहीं कर सकते। आपको बेटियों के लिए स्कूल दोबारा खोलने पड़ेंगे, आपको समाज के अंदर इस तरह का एजुकेशन लाना पड़ेगा जिससे बहन बेटियों को इज़्ज़त और मान सम्मान मिले। जब तक ये चीज़ अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे, भले ही 100% कर दीजिए आरक्षण, फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात का। अर्जुन, लास्ट सवाल, सरपंच अभी तक प्रोटेस्ट पर है, नाराज़गी है सरकार के साथ अभी तक चल रही है, क्या इससे आपको लगता है कि असर पड़ेगा जो सरपंचों की मांगों को आप किस नज़रिए से देखते हैं?
देखिए सरपंचों की मांगे जायज़ है, पंचायतों की मांगे जायज़ है, क्योंकि पंचायत जब ताकतवर होती है तो गांव के अंदर विकास के जो कार्य है पंचायत जल्दी से करा सकती है। आपको एक उदाहरण दूंगा, कई बार गांव में किसी की शादी होती है, किसी के परिवार में शादी होती है, तो सरपंच का हाथ पकड़ के कह सकते हैं भाई ये गली तो पहले बनवा दे और पेमेंट जब बाद में रिलीज होगी तो बाद में कर लियो। कई बार सरपंच अपने खुद के पैसे पे खर्चे पे उनकी गलियां बनवा दिया करता था, अब वो चीज़ें नहीं होंगी। जो गली, जो काम, जो अड्डा, जो सफाई या जो कोई भी छोटे मोटे काम थे जो हाथों हाथ हुआ करते थे, अब उन कामों को भी होने में 6-6 महीने साल साल लग जाएगा, क्योंकि ये टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है ये है ही ऐसी। अब मान लो जी आज आपके बारिश का सीज़न अब चल आने वाला है, अगले 2 महीने बाद आपके सारे गांव में सारी गलियों में पानी भर जाएगा, बीमारी फैलेगी, मच्छर आएंगे, सारा कुछ होगा। अब अगर आज आप उसका बजट पास करके अगले 2 महीने में काम नहीं करा सकते तो नुकसान किसका? नुकसान तो सारे गांव वालों का है। ये बात को ये सरकार नहीं समझती है और इसी करके इस सरकार का विरोध है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पर हमारे साथ नहीं जुड़े हुए।